वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि जो क्लिनिक पे भी एंड ऑनलाइन भी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन। ऑर्थोपेडिक सर्जरी एक ऐसा फील्ड है जिसमें इट्स अ वाइडर एंड ब्रॉडर टर्म जिसके अंदर सारे जॉइंट्स, जिस्म की हड्डियाँ, नेक से लेके शोल्डर, स्पाइन, जॉइंट्स, देन नीज, देन फुट एंड एंकल, ये सारे रीजन्स आ जाते हैं। वो सर्जन जो इन सब चीज़ों को ट्रीट करते हैं, लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, दैट इज दैट फील्ड इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिक सर्जरी। एंड ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जरी इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स प्रोफेशनल एथलीट्स, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स। इस सर्जरी को की होल सर्जरी के तरीके से किया जाता है, इसको अर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी भी कहते हैं। इसके कुछ सर्टन पार्ट्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं जो मैं एलैबोरेट या एक्सप्लेन भी करता हूँ अपने पेशेंट्स को, जस्ट टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि स्पोर्ट्स सर्जरी क्या चीज़ है। नंबर वन, ऐसे एथलीट्स जो कि अपने फुल पोटेंशियल पे खेल रहे हैं और उसी पोटेंशियल पे खेलना चाहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं, उसकी हम हेल्प करते हैं, उनको प्रॉपर गाइड, अवेयरनेस और एजुकेट करते हैं उसको, इसको हम इंजरी प्रिवेंशन कहते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ अगर किसी को इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए और वो ऐसे ही अपने फुल पोटेंशियल से बिल्कुल नीचे आ जाए और वो उसकी वजह से स्पोर्ट्स ना खेल सकता हो, दैट बिकम्स अ चैलेंज। उसको हम चैलेंज को टेकअप करते हैं एंड वेरी चैलेंजिंग सर्जरी होती है, छोटे से स्कार के साथ बड़ी मेजर सर्जरी परफॉर्म की जाती है। उसके अंदर हम उस खिलाड़ी को चोट से लेके इंजरी होने से दोबारा से उसके फुल पोटेंशियल पे लेके जाने तक उस एक प्रोसेस जो है, इसको हम सर्जरी एंड देन रिहैब, दैट इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्स सर्जरी। कि एक स्पोर्ट्स पर्सनल या प्रोफेशनल जो कि चोट लगने की वजह से खेल नहीं सकता, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, किसी का करियर उस पर डिपेंडेंट है, किसी की जॉब डिपेंडेंट है, उसके बाद हम उसको जब सर्जरी करते हैं, एक एक इंच और एक एक मीटर, एक माइनर माइनर वेरिएशंस, डिस्टेंसेज वो मैटर करते हैं सर्जरी के, स्किन इन सीन से लेके लिगामेंट सर्जरी के अंदर भी उसकी टनलिंग, उसकी पोजीशन, ताकि वो एथलीट अपने फुल पोटेंशियल पर जाके कल को परफॉर्म कर सके जैसा कि वो सर्जरी से या चोट लगने से पहले परफॉर्म करता था। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्स सर्जरी।